बता दिया आप धक्का मुक्की पीछे हो, धक्का मुक्की ना करें, आपको निर्देश दिया जाता है। हम पीछे नहीं हटेंगे, जेल छोटी पड़ जाएगी, पूरे देश में क्रांति होनी चाहिए। जय भी आप देख रहे हैं यूटीवी और दूसरा चैनल है टॉप 85। जी हाँ, दोनों चैनल आपको ये पूरी कवरेज दिखा रहा है बहुजनों की और पुलिस प्रशासन में कैसी हुई झड़प। देखिए 19 अगस्त दिल्ली बंद संत गुरु रविदास जी के लिए पार्ट 3। देख सकते हैं पुलिस प्रशासन ने पूरी छावनी बना रखी है यहाँ पर, और महिलाओं की जो तादाद है वो पहले, महिलाओं की जो पंक्ति है वो पहले लगाई गई है, फिर पुरुषों की पंक्ति लगाई गई है, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने पूरी बैरिकेडिंग कर रखी है यहाँ पर, और किसी को भी आगे नहीं जाने दिया जाएगा। यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर महाराजा मंदिर बनवाने के लिए सब लोग लगे हुए हैं, पुलिस प्रशासन ने पूरा बैरिकेडिंग किया हुआ है और आगे नहीं जाने दे देंगे। अब हमारा राम से कोई लेना देना नहीं, कुछ लोग राम मंदिर जहां मर्जी कुछ लोग आंदोलनकारी ये कह रहे हैं कि अगर राम मंदिर को अयोध्या से आजमगढ़ से कर दे, पता ये मोदी ने ये आरएसएस ने अपने वक्तों बीच में छोड़े हुए हैं। ये 600 साल पुराना मंदिर है, अगर आप लोग धैर्य का परिचय देंगे तो इनकी औकात नहीं है हमें नहीं जाने दे आगे, हम लोगों को सारे काम करवाएंगे। जो प्रतिमा हमने कहा था हम प्रतिमा लगा पाए उसके लिए हमें प्रशासन आगे जाने दे, ये हमारी दूसरी मांग। अगर उस पर तैयार होते हैं तो हम अपना प्रदर्शन बंद करेंगे, अन्यथा हम लोग यही प्रदर्शन करते रहेंगे, किसी भी हालत पीछे हटने वाले नहीं। लोग ये जो मूर्ति हमारे हाथ में है, हम इस प्रतिमा को रख करके इससे हमारी आस्था जुड़ी हुई है, हम एक जोत जलाना चाहते हैं। जो प्रशासन के उच्च अधिकारी हैं अगर हमारी बात सुन रहे हैं, हमें शांति पूर्वक उस दीवार तक जाने दिया जाए, हम इसे रखकर अपनी जोत जलाएंगे और अपन समापन करेंगे। हमारे ऊपर बात नहीं आ गई, अब हमारे गुरुओं पर बात आ गई है, तो अपने ऊपर तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने गुरुओं पर प्रहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे खून की नदियां बह जाएं। और अब हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, या तो हमें आराम से जाने देंगे, नहीं तो जीना छीना झपटी तो हमसे भी करनी आती है, और जैसे इन्होंने हमारा गुरु घर जबरदस्ती तोड़ा तो जबरदस्ती हमें भी जाना आता है, इसलिए डरना नहीं है। आप देख सकते हैं कि वो बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए अब सारी पब्लिक जो है वो पुलिस प्रशासन से अब भिड़ने के लिए तैयार हो गई है, और ये भीड़ जो है वो पूरा बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए तैयार है, और इनकी सिर्फ एक यही गुजारिश है कि हमें गुरु साहब की वहाँ पर वंदना करनी है और अपनी मूर्ति लगा करके हम यहाँ से आराम से चले जाएंगे। Come on!
Thank you.
कृपया बैरिकेड के साथ धक्का मुक्की ना करें। लाल कमीज थोड़ा बैरिकेड से पीछे हो, लाल कमीज बैरिकेड से थोड़ा पीछे हो, धक्का मुक्की ना करें। आपको निर्देश दिया जाता है आप सब देख सकते हैं कि गुरु घर बनवाने के लिए प्रशासन से जूझते हुए ये बहुजन समाज के लोग ये बैरिकेडिंग तोड़ करके उस मंदिर पे जाना चाहते हैं जो रविदास मंदिर तुगल का बाद में तोड़ दिया गया था। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, पूरी जद्दोजहद करते हुए कि हमें गुरु घर वही वही बनाना है, क्योंकि गुरु घर जो तोड़ा गया है वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने सबको गिरफ्तार भी कर लिया है, कुछ लाठी चार्ज भी थोड़ा बहुत किया था और उनको घायल लोगों को भी बसों में डाल करके गिरफ्तार करके और यहां से ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग घायल भी हैं और यहां पर उपकार बावरा भीम आर्मी के चीफ उनको भी ले जाया गया, रवि गौतम को भी ले जाया गया, पूनम अम्बेडकर को ले जाया गया, रजनी बौद्ध को ले जाया गया और यहाँ पर महिलाएँ जितनी भी उन सबको डिटेन करके अरेस्ट करके ले जाया गया। साथियों जेल जाएंगे, जेल छोटी पड़ जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल जेल पड़ जाएगी छोटी, साथियों जेल जेल छोटी पड़ जाएगी। मोदी जब जब करता है, पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब करता है, पुलिस को आगे करता है, साथियों जेल छोड़ने सरकार है, हम ना हटेंगे पीछे, हम पीछे नहीं हटेंगे। जेल छोटी पड़ जाएगी, पूरे देश में क्रांति होनी चाहिए, जेलें छोटी पड़ जाएंगी। हम कभी मरने से नहीं डरते, हम जेल जाने से नहीं डरते, हम बुजदिलों के नई तरह नहीं भागते। मोदी सरकार का ताना सही रवैया है, मोदी ने हमारे विरासत को खत्म करने की चेष्टा की। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आपको कहां ले जाया जा रहा है? मालूम नहीं है, मालूम नहीं हमें कहां ले जाया जा रहा है। कहीं भी ले जाए हमें कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। काला पानी की सजा कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सरकार में दिल्ली जितनी नहीं आया और हमको अरेस्ट किया जा रहा है।
किस थाने में लेके गए अभी कुछ भी नहीं बताया। पुलिस प्रशासन ये कह रही है कि जो भी प्लेस पे पहुंचेंगे उसके बाद पता चलेगा। और कितने लोग अरेस्ट किए गए अभी तक ये भी नहीं पता चला है कि अरेस्ट भी कितने लोग किए। लाठीचार्ज जरूर हुआ था, थोड़ी सी चोट वोट लोगों को आई है, और घसीटते हुए आपने देखा था कि बसों में डाल करके, दो तीन बसों में डाल करके वो ले गए। पुलिस प्रशासन ये बताने को तैयार नहीं है कि किस थाने में लेके गए। इसके बाद आप देखिए कि बहुजन मीडिया और दिल्ली पुलिस में क्या तीखी नोकझोंक हुई और क्या बातचीत हुई, जो कि दिल्ली पुलिस ने उनका जवाब नहीं दिया। पार्ट 4 में यूटीवी और टॉप 85 में देखिए।